अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शाह हुसैन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू 3 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट। जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 फिट करूँगा तो कौन सा पोर्शन है जो इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, इक्वल है 0 के। अब नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि एक्स या तो 3 से लेस है या 3 से ग्रेटर है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी पोर्शन पे अप्लाई होगी, राइट हैंड लिमिट भी इसी पोर्शन पे अप्लाई होगी। और जब एक ही सिंपल फंक्शन के पोर्शन पे या सिंपल फंक्शन पे लेफ्ट और राइट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया है उसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सो हम फाइंड करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स, इक्वल लगाएंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और कौन सा फंक्शन का पोर्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये बनता है हमारे पास 0/0 फॉर्म, और जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो हम क्या करेंगे, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड सेम लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 और x स्क्वायर माइनस 9 को राइट कर सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम। अब ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो वी सिंप्लीफाई दी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल x माइनस 3 विद x माइनस 3, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x प्लस 3। नाउ वी अप्लाई लिमिट एज x अप्रोचेज टू 3 ऑन राइट हैंड साइड। सो अप्लाई लिमिट एज x अप्रोचेज टू 3 ऑन राइट हैंड साइड। सो जब राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रहेगी सेम, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x, राइट साइड पे अप्लाई लिमिट एज x अप्रोचेज टू 3 तो ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब हम डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 इज नॉट इक्वल टू 6। सो वी कैन से गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी डियर स्टूडेंट हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है, हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो देन सबसे पहले हम राइट करेंगे कंटिन्यूटी एट
x इज इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे 2 पे। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, डियर स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट इस वक्त क्या है 2। जब मैं यहाँ पे 2 फिट करूँगा तो हमें देखना है पीस वाइज फंक्शन का कौन सा पोर्शन एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला पोर्शन जो है ये x क्या है लेस देन इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ x है 2 फिट करूँगा तो ये बनेगा 2-4 इज इक्वल टू -2। देन हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। आप नोटिस करें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम सेपरेट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम सेपरेट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट सेपरेट फाइंड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जब नेगेटिव बार होगा तो इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। और कौन से पोर्शन पे अप्लाई होगी जो 2 से लेस है, फर्स्ट वाले पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे और सेकंड में x क्या है ग्रेटर देन 2 यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर राइट करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और इसके ऊपर नेगेटिव बार मेंशन करेंगे जो ये शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव बार, कौन सा पोर्शन लेंगे फर्स्ट वाला x माइनस 4, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड रहेगी सेम, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेम लिमिट x approaches to 2 negative bar f of x, right side पे apply limit as x approaches to 2, जहाँ जहाँ x है 2 put करेंगे 2-4 is equal to -2। then हम calculate करेंगे right hand limit और जब हम right hand limit calculate करेंगे तो limit x approaches to 2 इसके ऊपर mention करेंगे positive bar, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव बार, फंक्शन का कौन सा पोर्शन लेंगे जो ग्रेटर देन 2 है और डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 में हमारे पास कौन सा पोर्शन आएगा सेकंड वाला x ग्रेटर देन 2। तो यहां पर हमारे पास x स्क्वायर -6, सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट साइड रहेगी सेम लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव बार एफ ऑफ एक्स, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे एज एक्स अप्रोचेज टू 2। डियर स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव बार नेगेटिव बार मेंशन करते हैं ये जस्ट ये बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और अप्लाई करते हुए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 ही हमने अप्लाई करना है। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर -6, सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली ये बनेगा 4-6 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ चुकी है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा बिकॉज फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव बार f ऑफ x और इक्वल है राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव बार f ऑफ x, दैट इज फंक्शन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है डेफिनेटली -2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है डेफिनेटली -2 एंड सेम राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू क्या है -2। सो हम कह सकते हैं सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन है ये 2 पर कंटिन्यूस है।